आई फ्लू आँखों का संक्रमण है जिसकी वजह से आँखों में लालिमा, दर्द और सूजन जैसी परेशानियाँ होती हैं। आई फ्लू वायरस से संक्रमित होने की वजह से होती है और यह बीमारी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में आसानी से फैलती है। सीतापुर आँख अस्पताल के नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह कहते हैं, आई फ्लू के ज्यादातर मामले एडेनोवायरस के संक्रमण की वजह से होते हैं। संक्रमित व्यक्ति से सीधे संपर्क में आने की वजह से आपको भी यह बीमारी हो सकती है। आई फ्लू को पिंक आई इन हिंदी और कंजंक्टिवाइटिस भी कहा जाता है। आई फ्लू की समस्या बारिश के मौसम में सबसे ज्यादा फैलती है। इस मौसम में वातावरण में संक्रमण फैलने की वजह से लोग आई फ्लू का शिकार हो जाते हैं। आमतौर पर आई फ्लू गंदगी, धूल मिट्टी आदि की वजह से होने वाली एलर्जी की वजह से होती है। इस बीमारी में आँखों के सफेद हिस्से में मौजूद लेयर कंजंक्टिवा में सूजन होती है। बरसात के मौसम में नमी और बैक्टीरिया और वायरस बढ़ जाते हैं और इसकी वजह से आँखों में एलर्जी और इन्फेक्शन हो सकता है। इसके अलावा अगर आप पहले से आई फ्लू से संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आते हैं तो इससे भी आपको आई फ्लू होने का खतरा रहता है। इस बचने के लिए आपको आई फ्लू से संक्रमित व्यक्ति से सीधे संपर्क में आने से बचना चाहिए और आँखों को बार बार छूने से बचना चाहिए। आई फ्लू की समस्या में मरीज की आँखों में दर्द, सूजन और लालिमा जैसी परेशानियाँ होती हैं। इसकी वजह से आँखों से पानी बहने लगता है। संक्रमण बढ़ने पर मरीज को देखने में परेशानी हो सकती है। आई फ्लू के प्रमुख लक्षण इस तरह से हैं। आई फ्लू के लक्षण दिखने पर आपको ओवर द काउंटर दवाओं का सेवन करने से बचना चाहिए। लक्षण दिखने पर तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। डॉक्टर मरीज की स्थिति और लक्षणों के आधार पर दवाओं के इस्तेमाल की सलाह देते हैं। ऐसे लोग जो गंभीर रूप से संक्रमित होते हैं उन्हें कुछ हाई डोज वाली दवाओं के इस्तेमाल की सलाह दी जा सकती है। आमतौर पर संक्रमण रोकने के लिए डॉक्टर एंटीबायोटिक दवाओं और ड्रॉप्स का इस्तेमाल करने की सलाह देते हैं। हॉट और कोल्ड कंप्रेस से भी इस समस्या में आराम मिलता है। इसके अलावा बाहर निकलते समय काला चश्मा लगाने की सलाह दी जाती है। चूंकि आई फ्लू का खतरा बारिश के मौसम में ज्यादा रहता है, इसलिए बारिश में लोगों को साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। नियमित रूप से हाथ को साबुन से धोने पर आप संक्रमण का शिकार होने से बच सकते हैं। ज्यादातर लोगों में ये संक्रमण हाथों के जरिए ही फैलता है। गंदे हाथ से आँखों को छूने से बचना चाहिए। इसके अलावा कपड़े, तौलिया, टूथब्रश और मेकअप की चीजों को दूसरे के साथ शेयर न करें। अगर आप सार्वजनिक जगहों पर जाते हैं तो संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए दरवाजों के हैंडल या किसी भी सतह को छूने से बचें। अगर आप इन चीजों को छूते हैं तो हाथों को साबुन से साफ करें। इसके अलावा आई फ्लू से बचने के लिए आँखों पर काला चश्मा या सनग्लास लगाएं।